आंदोलन और झाड़ लगाओ मुहिम, वार्ड नंबर 17 किला की जो मेन रोड है जो कॉरपोरेशन की तरफ जाती है, फत्तू हकीम की दुकान के पास हमने एक धरना प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। ये धरना या ये प्रोटेस्ट या ये कहें कि इसको जो झाड़ लगाओ मुहिम है, ये क्यों करना पड़ी? पहला सवाल ये है, आज़ाद हिंदुस्तान हुए आज मैं समझता हूँ करीब 76 साल हो गए। 76 साल के बाद भी हम एक बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जिसे हम बेसिक नीड्स कहते हैं, उसके लिए हमको धरना देना पड़ रहा है। ये हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की आज़ादी को 76 साल होने के बाद भी हम रोड, सड़क, गटर, लाइट, कचरा, मच्छर, इसके लिए हमको धरना देना पड़ रहा है। ये हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है। हम आरएसएस और बीजेपी का रोना रोते हैं। कॉरपोरेशन में कौन है, आरएसएस है या बीजेपी है? कॉरपोरेटर मुस्लिम, अधिकारी मुस्लिम, कर्मचारी मुस्लिम, नगर सेवक सारे मुस्लिम, मेयर मुस्लिम, स्टैंडिंग चेयरमैन मुस्लिम, प्रभाग के चेयरमैन मुस्लिम, तो फिर क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ हमको है? आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं, पिछले 4 दिसंबर 2022 एक रोड का काम शुरू हुआ किला हॉल से फत्तू हकीम की दुकान, दूसरा काम इसी से रिलेटेड महमूद डॉक्टर के दवा खाने से लेकर अंगनू सेठ की मस्जिद, ये काम मैं समझता हूँ करीब 7 लाख रुपए का है। ठेकेदार ने 4 दिसंबर को रात में 1 बजे काम शुरू किया, चोरों की तरह गटर के साइड से बीच में जो रोड का हिस्सा बीच का जो आता है वहाँ पे डामर डाल के रोलर चला के भाग गया। जो असल जो लाइन आउट किया गया था उन जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों पे डामर डाल के चला गया। महमूद डॉक्टर के दवा खाने के पास खड्डों का जो जत्था था, जिसको खड्डों का इलाका कहते हैं, वो छोड़ के भाग गया। दूसरे दिन हम कॉरपोरेशन गए, आला अधिकारियों से हमने मीटिंग की, उन्होंने जो भी कागजी कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ में या उसको नोटिस दिया होगा, कुछ दिनों के बाद वापस आके उसने वहाँ पे काम किया, डामर डाला और फिर वापस भाग गया। ये रोड आप देख सकते हैं किला हॉल से लेके फत्तू हकीम की दुकान तक है, पीछे खंबा है, खंबे के पास आके रोड का काम ख़त्म हो गया। आज भी ये खड्डे हैं, हमने एहतजाजन इसमें गमले लगाए। ये क्यों करना पड़ रहा है हमको? क्या आज हम देकर ही पूरी कर सकते हैं? पेप कागजी कार्रवाई मैं समझता हूँ हमने 4 बार लेटर दिया कॉरपोरेशन को। कुछ कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ठेकेदार को डामर नहीं मिल रहा। ये ठेकेदार के वकील है क्या? किसी ने कहा ये ठेकेदार के रिश्तेदार हैं? ठीक है, होना चाहिए, रिश्तेदारी भी अच्छी बात है, मगर पहले काम। हम कहाँ जा रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, जिस नगर सेवक का एक कॉप कॉरपोरेटर का एक काम है, आपको ये जानकर हैरत होगी, वो ऐसी पार्टी या ऐसे लीडर का कॉरपोरेटर है जिनका नारा है कि हम बदउनवानी के खिलाफ हैं, हम बैतुल माल की हिफाजत कर रहे हैं या हम बैतुल माल की हिफाजत के पक्ष में। उनसे भी लास्ट वीडियो में जब मैंने बाइट दी तो मैंने उनको भी कहा कि आप ध्यान दें, आप पूछें उनसे। वो ये कहते हैं कि ये वार्ड के लोग, ये किले की आवाम मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। बेशक बहुत मोहब्बत करती है, इसमें कोई शक नहीं, मगर पलट के ये क्या कर रहे हैं? इनको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, मगर आप जो देख रहे हैं हालात, वार्ड के लोग भी आके साथ में जुड़ रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं तकलीफ है। लीडर भी नया पूरे का काम करने वाला भी नदी के उस पार का, आवाम तो यहाँ रह रही, तकलीफ इनको है, उनको काहे की तकलीफ है? अभी शबरात के दिन एमएलए साहब इधर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं पीविंग ब्लॉक बैठा रहा हूँ और बैतुल खेला का काम कर रहा हूँ। अभी कल दोपहर में मैंने एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि 20 सीट की संडास बन के रेडी हो चुकी है, इसकी ओपनिंग सेरेमनी इफ्तिताही तकरीब एमएलए साहब के फर्जंद आके करने वाले हैं। वो पढ़ने के बाद तो मैंने सर पे हाथ लगा दिया कि बैतुल खेला की भी ओपनिंग सेरेमनी होती है क्या?
रोड और गटर की ओपनिंग तो समझे, बैतुल खिला की ओपनिंग क्या करेंगे, बैतुल खिला को इस्तेमाल करके उसको गंदा करके। अब वो तो गलती से कब्रिस्तान की ओपनिंग करने नहीं चलेगा, फिर मर के दिखाएंगे क्या। तो एक जाहिल अगर कोई ये काम करता है तो समझ में आता है कि उसको अकल नहीं है। एक आलिम और उनके फर्जंद के ज़रिए अगर ऐसे काम होने लग जाए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। अभी पीछे उन्होंने कहा नोमानी पुल के ताल्लुक से भी काफ़ी हुआ और छछंद मचाया गया, सारी पार्टियों ने लगभग उसमें छछंद किया। 2 करोड़ रुपया बोले मैं फ़ंड दे रहा हूँ, कॉरपोरेशन बाकी का पैसा देगी। आनन फानन में कॉरपोरेशन के इंजीनियर को बुला के उसका मौज माप किया गया। आने वाली बारिश से पहले बोले यहाँ पे नोमानी पुल बन के तैयार हो जाएगा। बारिश को 2 महीना बाकी है, कहाँ है नोमानी पुल, पहली बात। दूसरी बात, लोगों के ताल्लुक से ये कहते थे कि ये फला लीडर ने ये बयान दिया या ये वादा किया, ये लकड़े का लड्डू है, लड्डू नाम है इसलिए उसको फेंक नहीं सकते, लकड़े का इसलिए उसको खा नहीं सकते। आप क्या दे रहे हैं, मेरा सवाल इनसे, आप भी लकड़े का लड्डू ही दे रहे हैं। दूसरों के ताल्लुक से ये कहते थे कि फला लीडर का लड़का, उसके पास संविधानिक पद नहीं है, ये अवामी काम की ओपनिंग के लिए ये क्यों जाता है, इसके पास कोई संविधानिक पद नहीं है। अब वही सवाल मैं इनसे कर रहा हूँ कि क्या इनके फर्जंद के पास कोई संविधानिक पद है क्या, बिल्कुल नहीं है। मगर जहाँ वहाँ ये पहुँच जाते बोले फला MLA के फर्जंद है, ये ओपनिंग करें। अभी जब तक कॉरपोरेशन के अधिकारी आके हमको लिखित में नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप लोगों ने देख लिया हमने गमले लगाए हैं। कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी, कि हमको ज़्यादा आक्रामक होने पर मजबूर ना करें, वरना जब तक काम होता नहीं हम लोग इस जगह से उठेंगे नहीं।